यस सो वेलकम एवरीबडी इन द फोर्थ डे ऑफ द डिजिटल टीचिंग वेबिनार और हम आज जूम के बारे में पढ़ने वाले तो वॉट एक्जैक्टली जूम इज जूम होता क्या है जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहा पर आपको गूगल मीट से ज्यादा कुछ फीचर्स मिलते हैं यू हैव एन इन बिल्ड ब्लैक बोर्ड ये एक्चुअली गूगल मीट में जो गूगल जैम बोर्ड है ये बाद में आया था लेकिन जो जूम में पहले ही से देर वॉज अ वाइट बोर्ड प्रेजेंट विथ एनोटेशन सारी चीजें एक तो आपको बोर्ड मिल जाता है और एक आपको उसमें एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं और ये जो है कुछ और फीचर्स को अपने साथ में लिंक भी करता है उनके लिए कुछ एडवांस सेटअप की भी जरूरत होती है अगर आपके पास बेसिक है तो आप बेसिक से भी स्टार्ट करते हो एज वी ऑल आर डूइंग इट इन द बेसिक जब आप Zoom पे किसी के साथ में मीटिंग करते हो तो 40 मिनट्स की जो जूम मीटिंग होती है ये सभी के लिए फ्री होती है और हम भी वो फ्री वाला ही अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं और जो वेबिनार्स के लिए जो बड़ा लंबे चौड़े वेबिनार्स करते हैं लोग उनके लिए प्रो ऑप्शन रहता है जो आपको पे करके करना होता है सो जूम इज एक्चुअली पेड सॉफ्टवेयर वेर यू कैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स ठीक है सो so, ये एक्चुअली स्कूलिंग के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए ये अभी पेंडेमिक में हो गया है सो so, इसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके मैक्सिमम फीचर्स गूगल मीट की तरह ही है कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है सारा सब सेम है लेकिन कुछ फीचर्स जो है वो हमें डिफरेंट uh, लगेगा उसमें से सो लेट्स सी और इट इज अ वेरी सिक्योर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर ठीक है बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है इसलिए कई बार आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड्स एंड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछता है सो so, आपको इन चीजों से कभी घबराना नहीं है आपको इन्हें जो भी क्रेडेंशियल्स वो मांगते हैं उन क्रेडेंशियल्स को उनको हमेशा प्रोवाइड करना है ताकि आपका जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे यू आर वेरी मच सिक्योर यू कैन ऑल्सो लॉक द जूम मीटिंग आप जूम मीटिंग को लॉक भी कर सकते हैं और जूम मीटिंग में आप मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी ना एंटर हो जाए कि आप चीजों को हैक करें बिकॉज बीच में चला था पैंडमिक में बहुत से लोग सब ऑनलाइन जब आ गए थे सो कई लोगों ने डेटा हैक करने की कोशिश करी थी डेटा हैक करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनेट का डाटा हैक करेंगे ठीक है डाटा हैक मीन्स वट एवर थिंग्स वी आर शेयरिंग इन द मीटिंग तो ये जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना दैट वॉज द डाटा हैकिंग मतलब जो भी डाटा आप लोगों को बताया गया है उसको एक जगह से दूसरे जगह गुप्त रूप से कुछ काम नहीं हो रहा था है ना कईयों को पता चल रहा था इनकी रिकॉर्डिंग्स भी हो जाती है जूम में दिस इज द वेरी गुड पार्ट इन जूम की इसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है एंड इट इज सेव्ड सो इट इज नाइस है ना अच्छा है सो so अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे हमें इसमें जाना है सो आई एम शेयरिंग द प्रेजेंटेशन विद यू ऑल अब आप डायरेक्टली गूगल में जाएंगे So, जब आप गूगल में जाते हैं मैंने वो वाला पेज ना निकाल के ऊपर वाला ही निकाला हुआ है यस yes. सो so, आप जब गूगल में जाते हैं आप वहां पर लिखेंगे ये हेडिंग जूम क्लाउड मीटिंग ठीक है जूम क्लाउड मीटिंग जब आप लिखते हैं उसके बाद में जूम विडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार ये जो इसका लिंक है ये आप याद रखेंगे जूम डॉट यू एस दिस इज द लिंक विच इज रिक्वायर्ड इसको आप टैप करेंगे ये अगर लिंक सेकेंड नंबर में है तो आप उसको भी कर सकते हैं हियर इज द डाउनलोड सेंटर इफ यू वॉन्ट यू कैन डाउनलोड इट एंड कीप इट इन योर कंप्यूटर इन योर लैपटॉप और किसी में भी आप कर सकते हो डाउनलोड करके भी रख सकते हो फिर डायरेक्टली उसमें जाके आईडी पासवर्ड किया और आपका काम हो गया है ना, so if you all are downloading it, तो, uh, क्या होता है कभी कभी uh, it is कि डाटा इज बींग डाउनलोड नहीं करते हैं गूगल uh, से ही जाती हूँ ठीक है सो इट्स गुड इनफ कि आप डायरेक्टली वेब ब्राउजर से ही आप करो तो क्योंकि वो सारा सेम फीचर्स है डाउनलोड करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सो दिस इज जूम क्लाउड मीटिंग आपने इधर लिख दिया उसके बाद में ये आपका इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा ठीक है एंड फर्स्ट एरो मैंने इसलिए ढांक दिया है कि यहाँ पे ज्वाइन नाउ लिखा हुआ था ज्वाइन नाउ जो है मतलब फॉर द स्टूडेंट्स आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हाउ टू ज्वाइन जब मैं आपको सेकेंड सेशन में इसको यूज करना बताऊंगी तब उस समय आप देख लेंगे इसे तो ज्वाइन नाउ आपको बस स्टूडेंट्स के लिए करना है जैसे ही नाउ करते हैं देर यू हैव टू टाइप द मीटिंग आई डी एंड द पासवर्ड वो टाइप करो और आप ज्वाइन हो जाओगे सो दैट इज वेरी इजी ये वाला हमें देखना है एज अ टीचर कि हमें मीटिंग uh, कैसे होस्ट करनी है ठीक है सो वी विल गो इन होस्ट अ मीटिंग जब हम होस्ट अ मीटिंग करते हैं उसके बाद में Mm, just a sec. Oh my God. Oh, oh, sorry, sorry. ये मेरा हाफ प्रेजेंटेशन आया है मैंने अभी जो रिसेंटली किया था वो वाला नहीं ओपन हुआ है आई एम वेरी सॉरी मीटिंग एंड मीटिंग सो ज्वाइन अ मीटिंग टीचर्स ठीक है so meeting, हम for, uh, teachers, आप होस्ट मीटिंग करेंगे एंड देन फिर इसके बाद जैसे आप होस्ट मीटिंग को टैप करते हैं तो आपको पास यहाँ पे तीन ऑप्शन शो होता है विदियो ऑन विद्यो ऑफ स्क्रीन शेयर ओनली विथ वीडियो ऑन जो है बस इसमें फर्क है वीडियो ऑन और वीडियो ऑफ दोनों में फर्क इतना ही है कि बस वीडियो ऑन रहेगा आपका ठीक है एंड इफ यू वांट यू कैन कीप इट वीडियो ऑफ भी कर सकते हो अगर आप ऑफ करना चाहो तो आप ऑफ कर सकते हो ठीक है एंड देन आपका जो है विथ वीडियो ऑफ वीडियो ऑफ रहेगा तो आप वीडियो को ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं देखिए अभी मेरा वीडियो आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा ऐसे so, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं विद वीडियो ऑफ तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते यू कैन कीप योर वीडियो ऑन ऑल्सो जब भी आपको लगता है कि आप मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देखें, कीप योर वीडियो ऑन ऑल्सो मतलब ये दोनों फीचर्स बोथ द फीचर्स कैन बी वाइसी वर्सा दोनों हो सकता है बट द थर्ड वन इज स्क्रीन शेयर ओनली इसमें आपको वीडियो का ऑप्शन नहीं शो होता उसमें ओनली स्क्रीन शेयर होता है दिस ऑल्सो आई बी शेयरिंग यू मैं आपको बताऊंगी इन द लास्ट स्लाइड तो अभी हम वीडियो ऑन और वीडियो ऑफ वाला देखते हैं दोनों में सेम फीचर्स से है कुछ डिफरेंस नहीं है ठीक है सो वी विल सी जब भी, भी आप वीडियो ऑन या वीडियो ऑफ से करते हैं द सेकेंड स्टेप इट इज आस्किंग ऑलवेज फॉर साइनिंग अप ठीक है वो साइन अप के लिए आपसे मांगेगा यू हैव टू पुट योर जीमेल अकाउंट जीमेल अकाउंट डालो और फिर आपको यहाँ पे जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डालना है ठीक है और आपको लॉग इन करना है अगर आप इसको जूम में साइन इन कर रहे हो तो आप जूम का अलग पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा और इसको डालना पड़ेगा दिस वॉज द थिंग वॉज इटिंग मी फ्रॉम पास थ्री डेज बार बार मुझसे ये यह यही मांग रहा था एंड इट वॉज ऑलवेज से जबकि मैंने नोट डाउन कर दिया रखती हूँ मैं ज्यादा चेंज भी नहीं करती बारिस अलॉट -बार, लेकिन ठीक है अब वो ज्यादा नहीं करता एंड देन वॉट यू यूज टू डू इट की ये वाला करने के बाद में मैं तो सीधा डायरेक्टली पासवर्ड डालना ही बंद कर दिया अभी कल भी मैंने बाद में यही किया यू जस्ट गो इट इन गूगल और गूगल से कर दो सीधा ठीक है डायरेक्टली गूगल के साथ में लॉग इन कर दू लेकिन उसके बाद में भी वो फिर से पासवर्ड मांग रहा था सम टेक्निकल प्रॉब्लम पता नहीं क्या था बट अगर आपके साथ में भी ये चीजें होती है जस्ट गो इन टू इट आप डालो उसमें गूगल का चीज डालो और फिर आप आगे बढ़ जाओ ठीक है फिर वो गूगल के आपकी आईडी मांगेगा तो गूगल के आईडी से एंटर होने के बाद में एंड देन इस तरीके का आपका सेटिंग वाला जो पेज है ये ओपन होगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखिए हियर इज अ प्रोफाइल ओके ये प्रोफाइल है ये प्रोफाइल और प्रोफाइल के नीचे मीटिंग्स मीटिंग्स के नीचे वेबिनार्स देन रिकॉर्डिंग्स एंड देन सेटिंग अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोफाइल है इसमें आपको पता चलता है आपका मीटिंग आईडी दिस इज योर पर्सनल मीटिंग आईडी अगर आप इसे शो पे क्लिक करेंगे तो ये मीटिंग आईडी आपको शो करेगा एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन एडिट इट ऑल्सो आप चाहते हो कि भाई ये मीटिंग आई डी मुझे जल्दी याद नहीं होगी मैं अपने हिसाब से रख लू सो येस यू कैन कीप इट आप रख सकते हो आप इसको एडिट कर लो और अपनी मीटिंग आई डी खुद की बना लो ओके एंड देन नेक्स्ट इज पासवर्ड यू कैन मेक योर ओन पासवर्ड और ये जो लिंक है उसको भी आप बना सकते हो पासवर्ड नहीं दिस इज द लिंक यू कैन शो इट एंड इफ यू वॉन्ट बस इसमें क्या होता है अगर आप अपना खुद का लिंक क्रिएट कर रहे हो ना तो इतनी चीजें जितनी यहाँ पे लिखी हुई है इतना सेम रहेगा इसको आप चेंज नहीं कर सकते यू कैन एडिट ओनली द पार्ट विच इज इन एस्ट्रिक हियर जो यहाँ एस्ट्रिक में है बस उसको ही आप एडिट करके चेंज कर सकते हो तो ये अपने आप बन जाएगा अगर आप इसको एडिट करोगे और नीचे में नेक्स्ट पासवर्ड वाला भी बताऊंगी आपको आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है ठीक है ना आपको अगर एडिट करना है अगर आप चाहते हो कि मैं अपना मीटिंग आईडी और पासवर्ड चेंज करूं सो यू जस्ट हैव टू चेंज दिस मीटिंग आईडी ठीक है इसको चेंज करोगे और नीचे नेक्स्ट स्लाइड में आई शो यू पासवर्ड तो उसको चेंज करोगे हियर है ना सो पासवर्ड यहाँ पे मीटिंग आईडी लिखा है देखो यहाँ पे फोर सेवन फोर लिखा है यहाँ पर भी फोर सेवन फोर लिखा है है ना एंड देन योर पासवर्ड इज रिटन सो ओनली थिंग्स आर चेंज चेंजिंग इन एवरी लिंक बाकी ये ये सारा सब सेम होता है है ठीक सो आपको करना है एंड देन फिर देख आपका जीमेल अकाउंट शो करता है कि कौन से जीमेल अकाउंट से आपने इसको एंटर किया हुआ है आप जूम में कौन से जीमेल अकाउंट से लॉग इन करे हुए हो दिस इज शोइंग दैट फिर उसके बाद में आपका जो लाइसेंस है वो कौन सा है? बेसिक वाला है कि प्रो वाला है

वो चेंज करना है और पासवर्ड चेंज करना है लिंक आपका अपने आप इसके हिसाब से क्रिएट हो जाएगा ओके सो इफ यू वांट यू कैन चेंज इट आप चाहो तो इजी रख सकते हो पासवर्ड कैन बी मिनिमम थ्री थ्री डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए उससे ज्यादा भी रखना चाहू तो रख सकते हो आई है और मैंने काफी इजी सा पासवर्ड ही रखा हुआ है इट इज दिपीटेड आप लोगों ने देखा ही होगा जब मैंने आप लोगों को डिजिटल टीचिंग वेबिनार का पोस्टर भेजा था सो दिस यू कैन डू इट आप इस तरीके से कर सकते हो सो नेक्स्ट ये देखिए नेक्स्ट वीक इन द सेकेंड सेक्शन वेर मीटिंग्स आर रिटेन हमने इससे पहले क्या देखा प्रोफाइल प्रोफाइल में आपको अपना पूरा डिटेल्स पता चलिए ओके नेक्स्ट हम आते हैं मीटिंग में जब भी आप मोबाइल से इसमें ले रहे हो ना तो इसी पेज में आपको आना होता है जैसे मैं ले रही थी इतने दिन से और आज भी मैंने लिया सो वॉट यू हैव टू डू इस आप जब मोबाइल से जूम में पर्सन को एडमिट करते हो स्टूडेंट्स को एडमिट करते हो आपको ये मीटिंग वाले पेज में जाना है ठीक है मीटिंग वाले में जाके नीचे यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है ठीक है इधर जो ये स्टार्ट लिखा हुआ है इधर स्टार्ट में जाएंगे एंड देन जैसे ही आपने स्टार्ट को टाइप कर दिया आपका जो मीटिंग है वो मोबाइल से इसमें शिफ्ट हो जाएगा then, फिर मोबाइल से एंड नहीं करना ना लीव करना वो पूरा रिसेंट स्क्रीन हटा दो ठीक है रिसेंट स्क्रीन पूरा हट जाएगा तो ही वो uh, आएगा अच्छा और इसमें एक ये चीज थोड़ी डिफरेंट है गूगल मीट से गूगल मीट में जैसे अगर आप लिंक भेजते हो ना तो आप होस्ट हो गए तो गूगल मीट ऑटोमेटिकली अंडर अंडरस्टैंड कि आप होस्ट हो ठीक है तो आपने जो लिंक भेजा ना उसी लिंक को टैप करके आपकी मीटिंग शुरू हो जाती है लेकिन यहाँ जूम में ऐसा नहीं होता है जूम में इफ यू आर होस्टिंग अ मीटिंग यू हैव टू गो इट इन द जूम प्लेटफॉर्म ओनली एंड देन स्टार्ट अ मीटिंग है ना आप तभी स्टार्ट कर सकते हो और लिंक से सिर्फ ज्वाइनिंग हो सकती है यू कैनॉट स्टार्ट द मीटिंग विद द लिंक ठीक है इफ यू आर अ होस्ट अगर आप होस्ट हो तो आप जूम प्लेटफॉर्म में जाकर होस्ट अ मीटिंग में जाकर ही आप स्टार्ट कर सकते हो मीटिंग अदरवाइज यू कैन नॉट होस्ट अ मीटिंग यू कैन ओनली ज्वाइन द मीटिंग फिर वो बार बार वेटिंग फॉर द होस्ट टू ज्वाइन वेटिंग फॉर द होस्ट टू ज्वाइन ऐसे करके वो गोल गोल घुमाता रहता है ठीक है सो दिस इज द प्राइवेसी पॉलिसी ये प्राइवेसी है उनका कि कोई भी और होस्ट नहीं बन सकता है और कोई किसी की चीज को हैक नहीं कर सकता दिस इज फॉर द सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी ये इस तरीके से होता है गूगल मीट में ऐसा नहीं है बिकॉज गूगल इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा है तो उसमें इतना नहीं है एंड इट इज वेरी सोफेस्टिकेटेड ऑल्सो उसमें इतना और उसमें इतने फीचर्स भी नहीं है जितने इसमें जूम में जूम में काफी ज्यादा फीचर्स भी हैं सो so, मीटिंग में आने के बाद में आप यहाँ पे जो भी आपका मीटिंग आईडी है ये यह यहाँ लिखा हुआ है पासवर्ड इफ यू वांट टू शो यू कैन शो इट आप शो करोगे तो आपको पता चल जाएगा एंड देन आप अगर इसको गूगल कैलेंडर में डालना चाहते हो आउटलुक कैलेंडर में या याहू कैलेंडर में डालना चाहते हो यस यू कैन एड ऑल दीज थिंग्स तो आपका जो मीटिंग है वो अपने आप चालू हो जाएगा यू कैन एड अपकमिंग में से आप पहले से ही जैसे गूगल कैलेंडर में डालोगे ना तो अपकमिंग मीटिंग आपको बार बार शो करता रहेगा

तो जो वेबिनार है वेबिनार वाला जो है पेड है इसमें आपको पे करना पड़ेगा और इसमें कंटिन्यूसली यू कैन टेक फाइव टू सिक्स आवर्स की क्लासेस ऑनलाइन और इसमें आपको वो नहीं होता कि मतलब आपका मीटिंग बंद हो जाएगा कि क्या है पूरा डिटेल्स और सारा सब होता है और इसका पेमेंट काफी महंगा होता है सो so, आप अगर आप वेबिनार्स पे करना चाहो तो कर सकते हो रिकॉर्डिंग्स आपकी पूरी सेव रहती है इसमें और अलग कुछ सेटिंग करना चाहो तो कर सकते हो सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर इट आफ्टरवर्ड हमें इनकी जरूरत नहीं है हमें बस प्रोफाइल और मीटिंग बस इन्ही की रिक्वायरमेंट है सो so इतना मैंने आप लोगों को बता दिया नेक्स्ट वेन यू स्टार्ट द मीटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया आप यहाँ स्टार्ट करोगे जैसे आप स्टार्ट दबाओगे यहाँ पे लॉन्च मीटिंग करके आएगा आफ्टर लॉन्च मीटिंग टू टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स विल बी कमिंग एक आएगा साइनिंग इन जो पीछे वाला लिखा है उसमें साइन इन के लिए आता है जैसे कि आपका गूगल से पहले से साइनिंग इन है ही सो so आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और फिर ये ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग करके आएगा और ये थोड़ा टाइम लेगा एंड येस इट इज नॉट कम्पल्सरी टू यूज ओनली गूगल मीट यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट uh, वाला जो आपका जीमेल अकाउंट है सॉरी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आउटलुक अकाउंट वो भी आप यूज कर सकते हो अगर आपका किसी और मीडिया uh, पर आपका जीमेल आपका अकाउंट है सॉरी जीमेल ही जीमेल बार बार आता है आपका जो अकाउंट है किसी और उसमें है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो इट जूम इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग लेकिन गूगल मीट ऐसा नहीं होता गूगल मीट में आए इट इज कम्पल्सरी टू हैव अ अल अकाउंट इन फॉर गूगल मीट गूगल क्लासरूम गूगल फॉर्म्स एंड गूगल ड्राइव इन सभी के लिए आपको इट इज टू हैव जी मेल अकाउंट और इसमें आप कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो तो इन जूम यू कैन यूज योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑल्सो ठीक है तो अब आपने कनेक्ट कर लिया कनेक्ट करने के बाद में आपकी जो मीटिंग है वो स्टार्ट होगी नाउ वेन योर मीटिंग स्टार्ट तो जब आप uh, uh, yes. so पर आपका चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा वेन एवर यू आर डूइंग इट इन द चैट बॉक्स ये यहाँ पर चैट लिखा हुआ है नीचे देखिए ये पैरामीटर्स आपको यहाँ नीचे मिलते हैं एंड हियर दिस आइकॉन फॉर दिस आइकॉन एक्चुअली आई एम टेकिंग योर दिस वेबिनार इन दिस zoom प्लेटफॉर्म बिकॉज देर इज अ रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड बटन दबाते हो यहाँ पर तो इधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में यू गेट इसकी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक है so सो इसको आप टैप करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी ठीक है फिर यहाँ पर देखिए ये पार्टिसिपेंट्स का वेन एवर इफ यू आर टैपिंग इट इन पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स में टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको चैट जो है वो नीचे खसक जाएगा और ऊपर पार्टिसिपेंट्स के बारे में पता चलता जाएगा शेयरिंग माई ओन स्क्रीन नाउ एंडल बी शोइंग यू कि कैसे अभी दिख रहा है तो आपको पता चलेगा कि पार्टिसिपेंट्स कहाँ दिखते हैं और आपको जो है एडमिट कहाँ से करना होता है सो ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर आप लोग मेरे स्क्रीन शेयर में भी देखते होंगे बीच बीच में एडमिट करने के लिए आता है आई एम एडमिटिंग ऑल्सो सो वो भी आप लोगों को शो होता होगा सो so ये सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको शो होगा ठीक है एंड देन आफ्टर यू गेट दिस प्लेटफॉर्म ये जो यहाँ म्यूट वाला बटन है ना येडफोन टाइप सिस्टम और उसमें ऑडियो तो आप उसको ये yes टैप करेंगे दीज आर देशिक थिंग्स विच एवरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर आस ठीक है ये इस तरीके का दिखता है देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है जॉइन ऑडियो सो वेन यू आर टैपिंग दिस ज्वाइन ऑडियो इसके बाद में आपको मिलेगा कि ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स सामने आएगा और फिर आपने अगर उसको यस yes कर दिया तो फिर ये जो मैंने आपको पिछला बताया ना ये इस तरीके का ऑप्शन आएगा फिर दिस इज म्यूट एंड दिस इज अनम्यूट ठीक है तो ये अभी अनम्यूट किया हुआ है ठीक है सो so, और जो मैंने रिकॉर्ड वाला आपको दिखाया था तो आप यू कैन सी इट इन द नेक्स्ट लाइफ मैंने रिकॉर्ड को टैप किया तो यहाँ पर आगे देखो पॉज स्टॉप रिकॉर्डिंग इफ यू वॉन्ट टू पॉज आप ये वाला बटन दबाएंगे अगर आपको स्टॉप करना है तो आप ये वाला बटन दबाएंगे और इसका पूरा इंडिकेशन आपको यहाँ से मिलता है देखो लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऊपर दिख रहा है आप सभी को शेरा एनोनेट एंड शो यू ये वाला हाँ सो दिस इज द थिंग ये आप कर सकते हो और फिर जब ये भी वेन यू आर एनोनेटिंग जब ये भी आप कुछ एनोनेट करते हो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सो so, ये पूरा माउस है इफ़ यू वांट टू शो एनीथिंग थिंग कर्सर दिखाना चाहते हो तो ये माउस वाला चालू हो जाएगा इफ यू वांट टू सिलेक्ट समथिंग अगर आप चाहते हो कि मेरे को इतना एरिया दिखाना है तो यू कैन सिलेक्ट ऐसे सिलेक्ट करो तो स्टूडेंट्स को शो होता है की यू प्लीज पे अटेंशन हियर इन दिस पार्ट इफ यू वॉन्ट टू राइट समथिंग आप ये टेक्स्ट यूज कर सकते हो सी इफ आई एम राइटिंग हियर ठीक है तो आप इस तरीके से टेक्स्ट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू इट एंड देन फिर अगर आप कुछ स्टैम्प यूज करना चाहते हो तो इफ यू वॉन्ट टू यूज अ स्टॉप लाइन यस, सो स्पॉटलाइट अगर आप यूज करना चाहते हो तो ये स्पॉटलाइट आ जाएगा आपको किस तरीके की स्पॉटलाइट यूज करनी है सो so, ये देखिए ऐसे इंडिकेशन आ जाएगा अगर आपको कुछ अगर समझो कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सो <coughs> सॉरी so, नोट आपको बताना है तो आप उसको ऐसे हाईलाइट करके शो कर सकते हो एंड देन इरेजर फॉर्मैट इफ यू वॉन्ट टू चेंज कुछ अंडू करना है तो कंट्रोल जेट भी एक्सेप्ट करता ही है Clear my drawings and everything, yeah, etc. I'm so sorry. I just want to have a glass of water. <coughs> Yes. तो ये इस तरीके का होगा ठीक है एंड ये रिकॉर्डिंग ये जो है ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ओके सो दिस वॉज द थिंग फिर ये ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके का आता है तो आप उसको टैप करेंगे एंड देन अब हम देखते हैं कि ये वाले फीचर्स क्या क्या है और कहाँ कहाँ हम इनको यूज कर सकते रिकॉर्डिंग का मैंने आपको बता दिया अः uh, ये पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन है ओके एंड देन चैट चैट वाला भी मैंने आपको बता दिया नाउ वी विल सी रियक्शन शेटर को आप टैप करेंगे also, और भी ये, आया है, ये जब हमारा कंडीशन था तब ये सब चीजें नहीं थी और ये अभी रिसेंटली आयाशन इन द जूम प्लेटफॉर्म कर सकते हो एंड दिस इज ये है आपका एंड इफ यू वॉन्ट टू एंड द मीटिंग आप सीरियसली यहाँ से एंड कर देंगे एंड यू डू इट एंड फॉर ऑल ठीक है एंड मीटिंग फॉर ऑल करना है होस्ट को और जो होस्ट नहीं है उन्हें सीधा लीव करना है ठीक है जैसे जो मीटिंग ज्वाइन करते हैं आप स्टूडेंट्स को बोलोगे यू कैन लीव द मीटिंग वो लीव को टैप करेंगे बट होस्ट को लीव नहीं करना है होस्ट अगर लीव करेगा ना तो उसकी मीटिंग कंटिन्यू चलती रहती है ठीक है और ये अभी फ्री है जब तक तो ठीक है चालीस मिनट बाद अपने आप बंद हो जाता है लेकिन अगर आप आपका काम धाम कुछ अच्छा चलने लगा और काफी अच्छा चलने लगा है ना तो आप अगर प्रो के लिए जाते हो तो उसमें ना आपका जो है वो काउंट होता है सो इट्स गुड इनफ कि आप हैबिट डालो हमेशा एंड मीटिंग करेंगे ओके okay? सो so, आप so, यहाँ पर स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन अभी can हम देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइडी डाउट कोई कुछ किसी को कुछ डाउट है या या ओके ओके प्लीज म्यूट प्लीज म्यूट योर डिवाइस यस सो अब देखिए जब भी आप स्क्रीन शेयर में टैप करते हैं तो इस तरीके का विंडो आता है आपके सामने बिल्कुल उसी तरीके का विंडो है नाउ दिस विंडो इज एप्लीकेशन विंडो एज वेल एज द क्रोम विंडो दोनों मिलाकर है ये इसमें है ना क्या लिखा है यहाँ पे देखो अ सिलेक्ट अ विंडो और एन एप्लीकेशन आई तो नहीं मिला वहाँ बनाने का मिल दी भाई नवदीप मैम प्लीज म्यूट योर डिवाइस मैम नवदीप मैम म्यूट करेंगे आप यस थैंक यू नवदीप मैम या yeah. सो so, uh, देखिए यहाँ पर विंडो एंड एप्लीकेशन दोनों है सो so, ये एप्लीकेशन आपका गूगल क्रोम का भी होगा एंड देन विंडो का भी होगा ओके okay? सो so, ये यहाँ पर बेसिक है अभी हम नेक्स्ट उसमें तो देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड भी होता है इसमें आप आईपैड या आईफोन के साथ में कनेक्ट करोगे तो आईपैड की सारी चीजें भी इसमें आएगी आप स्क्रीन को शेयर करोगे तो स्क्रीन भी आपकी पूरी दिखेगी आपको आपका जो भी चीज आप दिखाना चाहते हो जैसे मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ आपको तो ये यहाँ पे दिख रहा है अगर आप इंटरनेट का कुछ दिखाना चाहते हो गूगल क्रोम ब्राउजर कुछ दिखाना चाहते हो तो ये भी मतलब दिस इज द बेसिक थिंग इसी में सब कुछ आ गया उसमें क्या था गूगल मीट में दोनों अलग अलग था आपको विंडो करना था तो विंडो विंडो में जाओगे क्रोम करना तो क्रोम में अलग से जाना पड़ता है है ना इसमें ये सब कुछ एक ही में आ जाता है जो शेयर करना आप कर सकते हो अगर आपको आपकी स्क्रीन शेयर करनी है तो आपकी स्क्रीन भी आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो ओके एंड देन व्हाइट बोर्ड इफ यू वांट टू शेयर आप वो भी शेयर बेसिकली आपको ये दोनों चीजों की जरूरत लगेगी और या तो फिर जो भी चीज आप सिखा रहे हो ये बेसिक की ही जरूरत पड़ेगी एडवांस की नहीं जरूरत पड़ेगी अभी हम जल्दी जल्दी एडवांस वाला भी देख लेते हैं ये देखिए एडवांस इसमें आप पावर पॉइंट हो अच्छा वर्चुअल बैकग्राउंड देना चाहते हो तो दिस यू कैन डू इट आप अपने स्क्रीन का कुछ पोर्शन दिखाना चाहते हो आप चाहते हो कि मैं बस उतना ही पोर्शन दिखाऊं जो मुझे दिखाना है सो यू कैन पोर्शन ऑफ द स्क्रीन करेंगे तो वह सिलेक्शन के लिए आएगा सिलेक्ट करेगा वो उतना ही पोर्शन सामने वाले को दिखाएगा इससे ज्यादा नहीं दिखाएगा ठीक है सो आप और फिर कंप्यूटर ऑडियो कंप्यूटर ऑडियो इफ यू वांट टू शेयर की आपके कंप्यूटर में कुछ चीज है उसका ऑडियो नहीं जा रहा तो आप कंप्यूटर वाला ऑडियो भी शो करना चाहते हो बाद बीच बीच में नोटिफिकेशन आता है पॉपअप वगैरह उसका भी आवाज जाए तो यस यू कैन सिलेक्ट दिस अगर आपने कोई सेकंड कैमरा कनेक्ट किया हुआ है तो आप इसको भी शो कर सकते हो इसको भी शेयर कर सकते हो नेक्स्ट इज फाइल्स जैसा कि मैंने आपको बताया था जूम सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है देखिए माइक्रोसॉफ्ट को भी एक्सेप्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ड्रॉप बॉक्स को गूगल ड्राइव को और बॉक्स को भी एक्सेप्ट करता है तो इसके अंदर के जो भी फाइल्स है अगर आपके कंप्यूटर में तो उन सारों को वो एक्सेप्ट करेगा आप डायरेक्टली यहाँ से जाकर उसे ओपन कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज गूगल व्हाइट बोर्ड ये सॉरी का व्हाइट बोर्ड ठीक है जो बेसिक में था ना वो व्हाइट बोर्ड ऐसा इस तरीके का दिखता है और इसमें ये जो annotations है ना ये ये इसमें है पहले ही से ओके सो ऑल आर सीन देखो ये जो मैं हिला रही हूँ ना ये चीज ये इधर नीचे है है ना जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था तो ये यहाँ पे नीचे रख दिया था तो ये चीज अभी अपनी जूम में ही चल रही है इसलिए आपको दिख रहा है ये है ना लेकिन ये यहा पर क्या होता है कि ये चीज यही चीज यहाँ पर है और ये चीज यहाँ पर है अब ये देखो व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे ओपन इसलिए इधर व्हाइट बोर्ड दिखा हुआ है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं है मैंने अभी ओपन नहीं किया है इसलिए यहाँ पे एनोनेट का ऑप्शन है तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन है इसलिए व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है तो अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखना है कुछ टाइप करना है सो यू कैन यूज दिस बोर्ड ऑल्सो ठीक है सो so इस तरीके का व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा तो अगर आप कुछ पढ़ा लिख कर पढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ठीक है एंड नेक्स्ट इज हमारा एंड कैसे करना है मीटिंग को सो एंड मीटिंग में जाएंगे स्टूडेंट्स विल लीव मीटिंग एंड एंड मीटिंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आता है राइट हैंड साइड पे उस बटन को टैप करना है एंड मीटिंग फॉर ऑल इसको आप टैप करेंगे और लीव मीटिंग आप टैप करेंगे कौन जो ज्वाइन कर रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स को आप बोलेंगे लीव द मीटिंग ठीक है और आप मीटिंग को एंड नहीं करेंगे और uh, सॉरी आप मीटिंग को लीव नहीं करेंगे आप ओनली एंड मीटिंग करेंगे और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग है ये जैसे मैंने आपको इनिशियली एकदम शुरुआत में बताया था कि जब आप होस्ट मीटिंग करते हो तो तीन ऑप्शन आते हैं है ना फर्स्ट इज विध वीडियो ऑन सेकेंड इज वीडियो ऑफ एंड थर्ड वन इज स्क्रीन शेयर ओनली जब आप स्क्रीन शेयर ओनली करते हो ना तो उसमें आपका वीडियो नहीं दिखता आपका ओनली आपका कंप्यूटर का ओनली स्क्रीन शेयर होगा तो ये जो स्क्रीन शेयर वाला जो पॉपअप विंडो है ना ये डायरेक्टली ओपन होगा देखिए यहाँ पर ये ये जो ब्लैक वाला स्क्रीन है ना ये नहीं है ठीक है आपका डायरेक्टली ओनली स्क्रीन शेयर होगा और ये पूरा रिकॉर्ड होता जाएगा तो इसका वीडियो बनता जाएगा अपने आप और आपका स्क्रीन ओनली शेयर होगा और इसका पूरा वीडियो बनता जाएगा अगर आप जूम पे कोई ऐसा रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इसको जाएंगे और ये स्क्रीन को टैप करके एंड देन जस्ट इफ यू आर शेयरिंग अगर आप जैसे इसको शेयर कर रहे हो आपके स्क्रीन में जो भी कुछ हो रहा है वो शेयर होगा ठीक है

ठीक है जहां मैं आपको स्क्रीन का पूरा रिकॉर्ड पूरा सब दिखाऊंगी जूम पे कैसे क्या करना है एंड आई थिंक वी विल गो इन जूम ओनली हम जूम पे ही करेंगे आई बी शेयरिंग द माय स्क्रीन स्क्रीन मैं अपना ही शेयर करके या तो उसमें गूगल क्रोम में करके आपको बता दूंगी ओके सो यू विल बी हैविंग अ ब्रेक आज एक्चुअली वैसे ही हुआ है जैसा मैं चाह रही थी इतने दिन से तो आज ये सही में अच्छे से हो गया नी डाउट इन दिसंक यू थैंक यू वेरी मच आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिए इसे प्रैक्टिस करेंगे तो